भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल 2024 में अपने बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके, जिसने भारतीय टीम को चिंता में डाल दिया है। आईपीएल के मौजूदा सीजन के बाद अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली रोहित के खराब प्रदर्शन से चिंतित नहीं है और उन्होंने कहा कि फैंस को भारतीय कप्तान के फॉर्म को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए गांगुली ने रोहित की सराहना की और उन्हें बड़े टूर्नामेंट का खिलाड़ी बताया है। इसके अलावा इस पूर्व भारतीय कप्तान ने रोहित और विराट कोहली से इस वैश्विक टूर्नामेंट में पारी का आगाज करने की मांग दोहराई है। गांगुली ने कहा, भारत एक अच्छी टीम है, रोहित टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वह अक्सर बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दरअसल रोहित ने मौजूदा आईपीएल सीजन में 13 पारियों में 29 की औसत से 349 रन बनाए हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए मैच में शतक भी जड़ा है, लेकिन मुंबई वो मैच नहीं जीत सकी। पिछले कुछ मैच में रोहित का बल्ला एकदम खामोश रहा और वह रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे। एक तरफ जहां रोहित शर्मा रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे, वहीं विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला और वह ऑरेंज कैप की दौड़ में बने हुए हैं। कोहली आरसीबी के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतर रहे हैं, हालांकि उनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठते रहे। विराट कोहली ने 13 मैचों में 66 की औसत और 155 के स्ट्राइक रेट से 661 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक भी शामिल हैं। कोहली की पारी की बदौलत ही आरसीबी खराब शुरुआत के बाद वापसी करने में सफल रही। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट की ऐसी शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।